नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे सामने दुनिया का सबसे भारी ग्रंथ है और इस पे लिखा हुआ है बुद्ध और उनका धम्म, और ये पूरा स्टील का बना हुआ है। 2000 किलो इसका टोटल वेट बताया जाता है। हमारे साथ मणि कुमार जी हैं, हरियाणा से आए हैं, और हम इसे पूरी जानकारी लेंगे बुद्ध और उनका धम्म क्या है और ये लेके यहाँ पे लाने का क्या उद्देश्य है, इतना भारी बनाने का क्या उद्देश्य था वो भी बताएं और इसकी जो खूबियां हैं वो भी बताएं। साथियों, बहुत बहुत साधुवाद जी, आप इस मैसेज को लेकर के हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। असल में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने एक ग्रंथ लिखा था बुद्ध और उनका धम्म, और समाज को दिशा देने के मकसद से ये बाबा साहब की प्लान थी। तो बनते हैं डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, जो धम्म भूमि के संस्थापक हैं, उन्होंने प्लान किया कि हम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ बनाएंगे। तो हमने देखा कि गूगल पे सर्च किया, प्राचीन काल में देखा कि दो दो फीट के, तीन तीन फुट के धातु पे बहुत सारे छोटे छोटे किताबें बनी हैं। हमने जब वो सर्च किया, एक जापान में बनी थी 7वीं शताब्दी में, एक अरब कंट्री में बनी थी, वो भी 2.5-3 फुट की थी। तो उसके बाद बंते जी ने कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ बनाएंगे ताकि हम लोगों को एक मैसेज दे सकें, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो भी एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा है उसको हमने धातु के ऊपर उकेरा है, इसको इनग्रेविंग है, ये खुदाई की गई है इसके ऊपर। एक एक अक्षर ऐसा नहीं है कि जैसे पेंट से लिख देते हैं, आप इसके ऊपर उंगली फेर के देखेंगे तो ये सारा का सारा खुदाई किया गया है। तो इसका लगभग 2000 किलो इसका वजन है और इसमें 24 पेज हैं, और जो बाबा साहब का ग्रंथ है लगभग 500 पेज का ग्रंथ है, वो सारा का सारा एक एक अक्षर इसके अंदर हमने पूरा का पूरा खुदाई की है। और इसकी जो जब इसको हम खोलते हैं तो लगभग 11 फीट इसकी चौड़ाई हो जाती है और इसकी लंबाई है 9 फीट है और 2.5 फीट इसकी मोटाई है। हमारा मकसद ये था कि हम मूवमेंट के लोग हैं, सभी लोग मूवमेंट को मानते हैं, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं लाखों की संख्या में हैं, लेकिन हमें कुछ नया मैसेज दे पाएँ। तो आज भी आप जब इसको गूगल पर देखेंगे वर्ल्ड बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट बुक, तो इसमें यह ग्रंथ आपको खुल करके आएगा। और इसका प्लान बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, जो पलवल में धम्म भूमि के संस्थापक हैं, उन्होंने इसको प्लान किया था। इनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है, भारत भर के जो तमाम विद्वान साथी उनके साथ जुड़े, उन्होंने प्लान किया और इसको आगरा में हमने इसको लॉन्च किया था। आगरा में इसको बना था 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आम्बेडकर जब आगरा आए थे तो वहाँ बाबा साहब ने लोगों को संबोधित किया था। तो उसी दिन हम 18 मार्च के दिन आगरा में हर साल एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो इसका ओपनिंग वहीं पर किया था आगरा के अंदर। बस मकसद ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो धार्मिक ग्रंथ हमें दिया है, जैसे लोगों को दिशा देने के लिए जैसे कानून बाबा साहब ने दिया है, भारत का संविधान दिया है, उसी तरीके से धम्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से व्यवहार करें, उसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म हमें ग्रंथ दिया है दिशा देने के लिए। तो उस मकसद से बंते जी ने इस ग्रंथ को प्लान किया बुद्ध और उनका धम्म। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।